शादी के 22 साल के बाद योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व में मंत्री रही उनकी पत्नी स्वाति सिंह के वैवाहिक रिश्ते पर आज आधिकारिक तौर पर पूर्ण विराम लग गया और दोनों के बीच तलाक हो गया। दोनों की शादी 18 मई 2001 को हुई थी। लखनऊ की फैमिली कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए शादी को समाप्त करने का फैसला सुनाया। बता दें कि स्वाति सिंह ने 30 दिसंबर 2022 को फैमिली कोर्ट में वाद दाखिल कर तलाक की अर्जी दी थी। ये पहली बार नहीं था जब स्वाति ने तलाक की अर्जी दी थी। इससे पहले भी स्वाति सिंह ने साल 2012 में भी तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट में गैर हाजिर होने के कारण कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। उस वक्त भी दोनों के बीच खटास की बातें सामने आई थी। पारिवारिक सूत्र बताते हैं कि उस वक्त तलाक तो टल गया था, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हुए थे। साल 2022 में ये विवाद एक बार फिर उभर कर सबके सामने आ गया, जिसके बाद तलाक की दूसरी अर्जी दी गई और रिश्ते को खत्म कर दिया गया। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह के बीच दूसरी बार रिश्तों के यूं बिगड़ने के पीछे जानकार स्वाति के राजनीति में आने को मानते हैं। दरअसल साल 2017 में ऐसे हालात बने कि स्वाति सिंह को राजनीति में कदम रखना पड़ा। मायावती पर एक विवादित बयान के बाद दयाशंकर सिंह विवादों के घेरे में आ गए, जिसके बाद दयाशंकर सिंह के परिवार पर टीका टिप्पणियों का दौर शुरू हो गया। तब स्वाति सिंह ने परिवार और राजनीति का मोर्चा संभाला था। इसके बाद भाजपा ने उन्हें सीधे बीजेपी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद स्वाति ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत कर विधायक और फिर मंत्री भी बनी। लेकिन यहीं से स्वाति और दयाशंकर सिंह का रिश्ता एक बार फिर से नया मोड़ लेने लगा, जिसका नजारा दिखा साल 2022 के विधानसभा चुनाव में। जब बीजेपी ने एक परिवार एक टिकट का नारा दिया, तो दयाशंकर सिंह ने अपनी ही पत्नी स्वाति सिंह के टिकट का विरोध करते हुए खुद के लिए टिकट मांगा। इसके बाद दोनों के रिश्तों की हकीकत सबके सामने आ गई। बीजेपी ने स्वाति सिंह का टिकट काटते हुए दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट दिया। दयाशंकर चुनाव तो जीत गए और योगी सरकार में मंत्री भी बन गए, लेकिन दयाशंकर सिंह अपनी शादीशुदा रिश्ते को हार बैठे। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।